शिक्षार्थी जीवन की सभी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार में रेलवे ग्रुप सी में पदोन्नत, 10 लाख युवाओं को होगा लाभ और एमटीएस जो एमटीएस एसएससी के थ्रू होता है उसका प्रवेश पत्र की बड़ी अपडेट, रेलवे कर्मियों ने अग्निपथ क्या किया विरोध, ये सारी खबरें आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भीमा चित्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल भीमा चित्रा यूट्यूब चैनल, जो कि रोजगार समाचार के लिए आप लोगों के लिए डेली अपडेट देता है। तो अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहली खबर ये रही आपके स्क्रीन पर, जल्द होगी कॉलेजों से और मिलेंगे इंटर और हाई स्कूल के अंक पत्र, यानी कि जो हाई स्कूल में रिजल्ट आया है उन सभी के अंक पत्र आपके कॉलेज पर मिलेंगे। दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, वायुसेना को मिले 2 लाख से अधिक आवेदन, जो अग्निपथ की प्रक्रिया के तहत अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है उसमें आवेदन के लिए 2 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, रेलवे में ग्रुप सी के ग्रुप बी में पदोन्नत के लिए अखिल भारतीय स्तर पर होगी परीक्षा। प्रयागराज की रिपोर्ट है, रेलवे में ग्रुप सी के ग्रुप बी के पदों पर जो आपके पैटर्न है उस पैटर्न को बदल दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, सेवानिवृत्त जो विकल्प हैं ना भरने पर ग्रेच्युटी रोकने के आधार पर हाईकोर्ट का आदेश, यानी कि 6 माह में 8% की दर पर ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश किया गया। वहीं पर अगर अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, एमटीएस एसएससी के थ्रू जो होता है 2021 की परीक्षा 5 जुलाई को होगी और उसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, अग्निपथ योजना का रेलवे कर्मियों ने खुलकर किया विरोध, यानी कि जो 4 वर्ष की योग्यता है यानी कि 4 वर्ष की वैलिडिटी है कार्य करने की, इस बात को लेकर जो रेलवे कर्मी हैं वो काफ़ी विरोध कर रहे हैं। बात करें लाभार्थी कार्ड की तो लाभार्थी कार्ड बनाने के लिए सरकार ने एक योजना चलाया था और इस योजना में सभी कर्मी चित हो गए। टारगेट था यहाँ पर देख सकते हैं 14 लाख की, सिर्फ 4 लाख ही कार्ड बने हैं। अगली खबर ये है आपके स्क्रीन पर, आईटीआई में आज लगेगा बृहद रोजगार और जो भी आईटीआई किए हैं उनके लिए लखनऊ अलीगंज में स्थित आईटीआई में काफ़ी सुनहरा मौका है। नेक्स्ट खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, सीबीएसई की कक्षा 9 और जो 11 के पंजीकरण हैं वो कल से प्रारंभ कर दिए जाएंगे। आपको बता दें ये वीडियो एक दिन बाद अपलोड होती है, यानी कि आप जैसे मैं कल कह रहा हूँ तो यानी कि आप आज के दिन में समझ सकते हैं। होता ये है आज शाम को वीडियो अपलोड होती है और सुबह तक या फिर शाम तक आपको वीडियो प्रोवाइड की जाती है। प्रदेश के 10 लाख युवाओं को मिलेगा विवेकानंद यूथ अवार्ड, जिसमें जो युवा हैं उनको कल्याण विभाग की तरफ से जारी चयनित युवाओं की सूची में 3-3 युवक और जो महिला मंगल हैं दलों में होगा चयन, जिसमें 10 लाख युवाओं को लाभ मिलने वाला है इस अवार्ड में। नेक्स्ट खबर की बात करें तो प्रश्न पत्र लीक मामले में 3 दोषी करार और आईसीएसई की ओर से आयोजित परीक्षा स्टिंग ऑपरेशन में हुआ था खुलासा, राज ब्यूरो की रिपोर्ट यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली खबर ये रही आपके स्क्रीन पर, 73 लाख लोगों को राहत और 30 सितंबर तक मुफ्त राशन देने की बात की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं केजरीवाल दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि उनका राशन का जो दिनांक है वो अब सितंबर तक बढ़ाया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो ये रही आपके स्क्रीन पर, सरकारी विभाग में 2300 करोड़ बिजली बिल बकाया। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब नागरिक का पैसा कैसे वसूलते हैं और ये सरकारी विभागों का पैसा नहीं वसूल पा रहे हैं। बात करें अगली खबर की तो ये है आपके स्क्रीन पर, पीजीटी आवेदन की तिथि बढ़ाने को लेकर छात्रों ने मांग की, अब हालांकि डेट बढ़ेगा या फिर नहीं इसकी रिपोर्ट जैसे ही जो आती है वो आपको दे दिया जाएगा। फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का समापन और खिलाड़ी जो जीते थे उनको किया गया सम्मान। अगली खबर की बात करें तो ये रही स्क्रीन पर, पीएम देंगे 1800 करोड़ की सौगात और 45 परियोजनाओं की सौगात होगी। 7 जुलाई से पीएम मोदी 6 घंटे कर सकते हैं काशी में प्रवास। यहाँ पर सारी योजनाओं का आप देख सकते हैं लिस्ट आपके स्क्रीन पर है और ये पूरी अपडेट आपको दिख रही है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर आपके स्क्रीन पर ये रही, कक्षा 1 से 8वीं तक की तिमाही परीक्षाओं की व्यवस्था शुरू की जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी रिपोर्ट्स ये आपके स्क्रीन पर। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और फाइनली आपको बता दें डेली अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।